स्टूडेंट्स क्या आप लोग भी डिससेटिस्फाइड है अपने रिजल्ट से क्या आपको भी लग रहा है शायद कोई टोटलिंग मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आए हैं या कोई आंसर ऐसा है जिसमें आपको लग रहा है कि फाइव आउट ऑफ फाइव मार्क्स मिलने चाहिए थे लेकिन आपको लग रहा है शायद लगता है कि टीचर ने फाइव में से मुझे वन मार्क या टू मार्क्स सिर्फ दिए हैं आउट ऑफ फाइव तो अगर आपके माइंड में भी ऐसी कुछ कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग योर रिजल्ट तो आप क्या कर सकते हैं आपके पास बहुत से स्टेप्स अवेलेबल हैं एक प्रोसीजर है बेसिकली वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज का जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसका स्केड्यूल भी सी ने आउट कर दिया है तो चलिए बात करते हैं थ्री मेजर स्टेप्स की जो आप इस टाइम पर अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर डिससेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट तो सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगी जिनको ये लग रहा है कि शायद कोई टोटलिंग मिस्टेक हुई है या कोई आंसर अनचेक्ड रह गया है या आंसर तो चेक हुआ है लेकिन स्कोर नहीं प्रोवाइड हुआ है बाय द एडुकेटर तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप रहेगा जो आप अप्लाई कर सकते हैं दैट इज वेरीफिकेशन ऑफ मार्क्स वेरीफिकेशन ऑफ मार्क्स आप अप्लाई कर सकते हैं सेवेंटींथ मे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर से लेकर ट्वेंटी फर्स्ट मे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तक ओके okay? फॉर्म्स आर आउट ऑन सी बी एस ई ऑफिशियल वेबसाइट आप वहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें बेसिकली नंबर वन ये चेक किया जाएगा कि टोटलिंग करेक्ट है या नहीं दूसरा ये चेक किया जाएगा कि हर एक आंसर चेक हुआ है या नहीं तीसरा हर एक आंसर में आपको स्कोर प्रोवाइड किया गया है मार्क्स प्रोवाइड किए गए हैं या नहीं ओके एंड इसके चार्जेस रहेंगे रुपीज़ फाइव हंड्रेड पर सब्जेक्ट ओके okay, अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए तो 500 हंड्रेड यूनिट टू पे टू सीबीएसई एंड अगर आप दो सब्जेक्ट्स के लिए करते हैं तो थाउजेंड रुपीज एंड सो ऑन ओके अब स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का रिजल्ट आपका जल्द ही अनाउंस हो जाएगा अब इसके बाद भी अगर आप आप रहते हैं, हैं, कोई आपको चीज़ से नहीं मिलती, then आप second step पर जा सकते हैं, जो कि कि है जो भी आपकी आंसर शीट चेक की गई है बाय सी आप वो मंगवा सकते हैं आपकी वो चेक वाली आंसर बुक की फोटोकॉपी ठीक है तो आप स्कैंड लीजिए सीबीएसई से उसके लिए आपको कब अप्लाई करना है फर्स्ट जून टू सेकेंड जून 2024 दो दिन का टाइम है स्टूडेंट्स फर्स्ट जून एंड सेकेंड जून 2024 को आप अप्लाई कर सकते हो टू ऑप्टेन योर स्कैंड इवेलुएटेड आंसर बुक ठीक है एंड इसके चार्जेस आपको होंगे सेवन हंड्रेड पर सब्जेक्ट ये जो मैं डिटेल्स दे रही हूँ ये सिर्फ क्लास ट्वेल्थ के लिए वैलिड है ओके okay, स्टूडेंट्स क्लास टेंथ के लिए नहीं ओके okay. एंड आप उसके बाद आपके पास आंसर बुक आई आपने देखा कि कुछ आंसर ऐसे हैं जिनमें आपको प्रॉपर स्कोर नहीं प्रोवाइड किया हो गया है बाय द एडुकेटर बाय द चेकर आपको लग रहा है कि एक आंसर में आपको फाइव मार्क्स मिलने चाहिए थे लेकिन सिर्फ वन मार्क मिले हैं तो अब आप सीबीएसई को यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं उस आंसर के थ्रू आपको सीबीएसई को वो आंसर्स को हाईलाइट करके भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म भरना है कि ये वाले आंसर्स मेरे ठीक से चेक नहीं हुए हैं ओके स्टूडेंट्स तो आप अब क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं यानी कि आंसर चैलेंज कर सकते हैं यहाँ पर और उसके लिए डेट रहेगी सिक्स जून एंड सेवेंथ जून 2024 ओके टू डेज़ का टाइम है आपके पास ठीक है क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए और एक क्वेश्चन का आपको सीबीएसई को पे करना है रुपीज हंड्रेड मतलब अगर आप फाइव क्वेश्चंस के लिए चैलेंज कर रहे हैं तो यू नीड टू पे रुपीज फाइव हंड्रेड टू सीबीएसई ताकि एक बार दोबारा से उस क्वेश्चन के आंसर को देख लिया जाए ओके स्टूडेंट्स आई होप यू आर क्लियर विद द प्रोसीजर ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यहां पर स्टूडेंट्स इस सेशन को एंड करना चाहूंगी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में विद अनदर यूजफुल अपडेट टिल देन बबाय टेक केयर जय श्री श्याम